अस्सलाम वालेकुम, इट्स मरियम अदिलन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज आपके साथ एक चटपट सी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट में बन जाएगी, यानी सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की आपको जरूरत है जो कि आपको बहुत आराम से आपके घर में ही मिल जाएगी। ये रेमेडी आपके स्किन पे बहुत जबरदस्त सा ग्लो लाएगी, आपके स्किन पे जितनी भी मैल कुचैल है, जितनी भी डेड लेयर है उसको निकाल देगी, डीप क्लीन करेगी आपके पोर्स को और आपके स्किन को एकदम से रिफ्रेश कर देगी। स्किन अगर फ्लैकी है गर्मियों में भी और ड्राई रहती है और बहुत ही ज्यादा खराब हो रही है, तो ये जो रेमेडी है वो आपकी स्किन को बहुत जबरदस्त सा ग्लो और मॉइस्चर प्रोवाइड करेगी। साथ ही ये सिर्फ आपके फेस के लिए नहीं, आपकी बॉडी के जिस भी पार्ट पे गंदगी या कालक जमा हुई है, यानी कि नकल्स हैं बॉडी के, या फिर एल्बो है, नी है, या हाथों पैरों पे, नेक पे, जहां पे भी इसको आपको लगाना है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, फुल बॉडी पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो चलें देख लेते हैं हमें इस चटपट सी रेमेडी को कैसे बनाना है और इसमें हमें किन किन चीजों की जरूरत है। इसमें हम सबसे पहले ले लेंगे 1 स्पून योगर्ट यानी दही। दही यानी योगर्ट में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज मौजूद होती है, यह हमारी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है, सॉफ्ट बनाता है और हमारी स्किन लॉन्ग टाइम मॉइस्चराइज रखता है। दही अगर आपका पुराना होगा तो बहुत जबरदस्त असर दिखाएगा, यानी कि आपको दही को फ्रिज में रखना है, 3 से 4 दिन के बाद इसको यूज करना है। इसको अगर आप रेगुलरली सादा भी लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को ब्राइटन करता है। और ये जो पैक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें जो जो चीजें मैंने इंग्रेडिएंट यूज किए हैं वो दही के साथ मिलकर आपकी स्किन को ना सिर्फ ब्राइट करेंगे बल्कि एक अच्छा सा ग्लो भी प्रोवाइड करेंगे। इसको जब आप यूज करेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में आपकी स्किन एकदम फ्लॉलेस आपको नजर आएगी, क्योंकि ये आपकी स्किन से डेड लेयर को एकदम से रिमूव कर देगी। इसके बाद हमारा सेकंड इंग्रेडिएंट है हनी यानी शहद, और शहद एंटीबैक्टीरियल होता है, ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, स्किन को डीप क्लीन करता है, ये स्किन में डीपली पेनिट्रेट होकर पोर्स में जितनी गंदगी है, जितना भी ऑयल है, सीबम है, उसको रिड्यूस करता है। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि बहुत ही जाना माना है और वो है टर्मेरिक। टर्मेरिक यहाँ मैं वाइल्ड टर्मेरिक का यूज कर रही हूँ। आपके पास किचन में जो भी हल्दी मौजूद है आप यूज कर सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा अगर किचन टर्मेरिक आप ले रहे हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की हो ताकि स्टेन ज्यादा ना छोड़े आपकी स्किन पर। वैसे ये आपकी स्किन पर स्टेन छोड़ेगा नहीं, क्योंकि हमने जो दही का यूज किया है वो ब्लीचिंग एजेंट उसमें मौजूद होता है, वो आपकी स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है। तो हमने इसमें ऐड कर दिया है टर्मेरिक और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है, ऑल ओवर फेस पे आपने इसे अप्लाई करना है। अगर आप फेस के साथ साथ किसी भी बॉडी पार्ट पे इसको अप्लाई करना चाहते हैं, जिन लोगों के बॉडी के और दूसरे पार्ट्स भी डार्क हुए हुए हैं, जिनको यानी कि आपको लगता है कि मैल कुचैल बहुत ज्यादा है, डेड लेयर बहुत ज्यादा है, वहां वहां आप इसको अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट एप्लीकेशन में ही इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। किसी भी पार्टी में जाना है, किसी भी फंक्शन में जाना है, उससे पहले आप इसको अगर अप्लाई करते हैं तो आपको यकीनन बेहतरीन नतीजे मिलेंगे इसकी, यानी कि रिजल्ट मिलेगा और आप कहने पे मजबूर हो जाएंगे वाह क्या रेमेडी है। यकीन नहीं आता तो एक दफा जरूर बना के यूज कीजिएगा, क्योंकि कोई महंगा इंग्रेडिएंट यूज नहीं किया और जो घर में आपके मौजूद होगा वही इंग्रेडिएंट्स में मैंने ऐड किए हैं। इसको अब लगाने के बाद आप ड्राई करेंगे, 15 मिनट 20 मिनट जितना ही लेगा आपने इसको ड्राई करना है। ये आपका एकदम से ड्राई नहीं होगा, यानी कि स्किन आपको खिंचाव फील नहीं होगी, क्योंकि मैंने इसमें शहद का यूज किया है। 15 to 20 मिनट के बाद आपने नॉर्मल टैप वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। हमेशा की तरह आपकी बहन का वादा होता है कि जो जो इंग्रेडिएंट मैं यूज करती हूँ वो आपको आराम से प्रोवाइड हो जाए, बहुत महंगे ना हो जो कि आप बना ना सके। हमेशा ऐसे इंग्रेडिएंट बताती हूँ जो कि आप इजीली आप बना सकते, अपनी स्किन पे अप्लाई कर सके और उससे बेनिफिट उठा सके। यकीन कीजिए बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है, इसको एक दफा जरूर बना के यूज कीजिएगा, मैं यूज कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज़।